हाय गाइस, मैं शिनू नैयर एक और वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक बहुत सिंपल सा लुक, मतलब रोज के लिए रेडी कैसे होए फटाफट यू मेकअप एंड डन। सो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ माय ग्लैम का, ये क्या बोलेंगे इसको, मॉइस्चराइज़र, ये मॉइस्चराइज़र बोल दीजिए, क्लिंजर बोल दीजिए। सो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है और बहुत देर तक स्किन में स्टे करता है, बहुत अच्छा इसका वर्क है। तो मैंने ये क्रीम ली है पहले, तो मैं इसको पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि ये मेरे स्किन को ऑब्जर्व हो जाए और मुझे ऐसा कोई नुकसान ना हो इसके बाद मेकअप करने में। तो आप भी जानते हो कि पहले यही रहता है। सेकंड मैं यूज़ कर रही हूँ माय ग्लैम का एसेंस। सो ये भी एक ऐसे ही काम करता है ये हमारी स्किन में। सो गाइस, ये एसेंस भी बहुत अच्छा वर्क करता है, यह हमारी स्किन को ग्लोइंग देता है, शाइनी आता है और बहुत अच्छा ही वर्क है इसका। फिर मैं ये आज यूज़ कर रही हूँ, ये फाउंडेशन है फॉरएवर 52 का, ये टेंडर क्रीम है एक्चुअली, मतलब इसमें कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन दोनों मिक्स है। सो ये मैं लगाऊंगी ब्रश के थ्रू, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है एंड बहुत अच्छा ही ये कंपनी का है, प्रोफेशनल है। फर्स्ट तो यही है कि प्रोफेशनल है, ये हमारे दाग वाग रिंकल्स मतलब हर चीज़ को अच्छे से छुपा देता है। तो मैंने ये यूज़ किया है एंड फिर मैं आपको आगे बताती हूँ फिर मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ और आप भी बताओ। तो मैं सीधे सीधे लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि हमारा लुक तो बहुत सिंपल है ना और हम ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करेंगे इसमें। तो मैंने लिपस्टिक यूज़ किए, देन मस्कारा ऑल्सो। तो ये मस्कारा ओरिफ्लेम का है, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिका रहता है, मतलब अगर आप अभी लगा रहे हो तो ये शाम तक नहीं निकलेगा और ये काम भी इसका बहुत अच्छा है। एंड देन आपको लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको लगाने के बाद, और ये अगर आप फेस वॉश भी कर लेते हो उसके बाद भी ये लगा रहता है, मतलब अगर आपको इसको मिटाना है मतलब इसको रिमूव करना है तो आपको ये कोई रिमूवर का ही यूज़ करना पड़ेगा अपने फेस के लिए। नाउ आई एम यूजिंग छोटी सी बिंदी, सो दिस इज़ मैरून कलर की, ये निकल नहीं रही है, मैं बहुत देर से स्टिकर लगी हुई निकालने की कोशिश कर रही थी तो हो ही नहीं रही थी निकले, सो लगाने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी। सो गाइस, हमारा पूरा मेकअप रेडी हो चुका है,